सत श्रीकाल सारे न्यू। जैसा मैडम ने बताया, मैं पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा बोलना या लेक्चर देना तो आता नहीं है। इसी के मुतल्लिक बात करेंगे। और एक बात इन्होंने स्टेज से एक और बोली थी अबाउट सीबिया जी, कि ना ये खुद बैठते हैं ना किसी को बैठने देते हैं। एक्चुअली सही है जी, वो एतराज करेंगे शायद कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमने एक फिल्म बनाई थी अभी, मेरे डायरेक्टर भी अभी मेरे साथ ही आए हैं मुंबई से, द एंडेंजर्ड आर्ट वर्ली पेंटिंग्स पे। उसकी स्क्रीनिंग थी आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल में, तो उसके बाद मुझे सीबिया जी मिले थे एंड हमने बहुत लंबी चौड़ी काफ़ी देर बात की एंड इन्होंने अपने कंसर्न बताए, इज़ वेरी डेडिकेटेड टू दिस सिटी एंड हेरिटेज। तो उसके बाद जब मैंने बताया कि हमारा अगला प्रोजेक्ट ये चल रहा है, तो जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसका कंसर्न दिखाने का सिर्फ इतना है कि जो हमारे पास विरासत है, हम उसका केयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जो वॉल पेंटिंग से ये बाद में नहीं बननी है, जो मैं आज आपको वॉल पेंटिंग बनाऊंगा, वो जींद जो अपना स्टेट थी, जैसा बता रहे थे ये 1700 के आसपास, तब की ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं और आज से 300, 350, 400 साल तक ये एक्सपोज्ड भी हैं। और एक्सपोजिशन से कुदरत के जो कहर बरसता है धूप का, बरसात का, उसको तो वो झेल ही रही हैं, हमारा ज़्यादा झेल रही हैं ये। क्योंकि हम लोगों की एक आदत है कि उसको दीवार पे भी अपना भी कुछ मैसेज लिख देते हैं, उसको केयर नहीं करते हैं, उसको देख करके पास कर जाते हैं और उसका जो जो हमें दे सकती वो उठा ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल इन्होंने ठीक पॉइंट उठाया था कि जी अगर इसको हम टूरिज़्म के एंगल से एक्सप्लोर करके देखें, तो आप फ्रांस में चले जाओ, आप मिलान में चले जाओ, वहाँ पे भी तंग गलियों के शहर हैं। ये नहीं है कि हमें वहाँ की अप्रोच रोड बहुत बड़ी चाहिए, मैं कहता हूँ पैदल भी जा सकते हैं, रादर ट्रैफिक तो अलाउ ही नहीं करना चाहिए उन चीज़ों के अंदर। उन हवेलियों को, उन विरासत को, उन दी पैटर्न ऑफ द राजस्थान, अगर इसको भी किया जाए तो मेरा ख्याल से ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं और ये केयर भी की जा सकती हैं। तो तस्वीरें बहुत सारी हैं, कहने को बड़ा कुछ है उसके अंदर। और ये डॉक्यूमेंट्री अभी प्रोसेस में है, इसका सिर्फ शूट ख़त्म हुआ है और 10% शूट बाकी है और इसका स्क्रिप्ट रेडी है, बस इसी कंपाइलेशन बाकी है। आपको जब दोबारा मौका मिलेगा तो उसको दिखाएंगे कंपाइल करके। तो बेसिक कंसर्न इज़ कि आपको ये पेंटिंग दिखा रहे हैं, वो ये है कि भी इतने साल के बाद भी इनके कलर्स और ये क्या इंटेक्ट हैं। अगर हम इनको थोड़ा सा ध्यान देते हैं, थोड़ा सा और इसको प्रिजर्व करने की तरफ रखें या अपनी सिंसियरिटी दिखाएं या सिर्फ इतना ही करें, जैसे आजकल सफाई अभियान में लोग बोल देते हैं कि आप कूड़ा ना डालो, वही ये कंट्रीब्यूशन है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम उसको डेटोरेट ना करें, उसको देख करके खुश हों, तो ज़्यादा अच्छी कंट्रीब्यूशन हो सकती है। ये इसकी स्लाइड दिखाने से पहले CBS से बात हुई थी हमारी, कि मैंने भी एक NZCC का पेंटर्स कैंप लगा था रिसेंटली, 550 ईयर्स ऑफ गुरु नानक देव जी। मेरे एंगल से गुरु नानक देव जी एक बहुत बड़ी सोच हैं। और उस पेंटर में जब हमने उस पेंटिंग कैंप में काम किया, तो मैंने भी एक पेंटिंग कर दी, हमने एक पेंटिंग बना ली थी, 3 दिन का टाइम था हमारे पास, तो मैंने बनाई थी, वो उनको काफ़ी अच्छी लगी थी। ये सर चाहते हैं कि पहले वो दिखाई जाए। यस, दिस इज द पेंटिंग। ये कंप्लीट पेंटिंग है 3x4 फुट की। जैसा कि अब मैं सुबह से देख रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट वाज की 550 ईयर्स ऑफ गुरु नानक देव जी, इसमें इस पेंटिंग का कॉन्सेप्ट ये कि जो एक गुरु नानक देव जी की जो सोच थी, वो सोच भी कुछ कहती है। पेंटिंग में सिर्फ उनकी तस्वीर बना करके लगा देना इज़ नॉट सफिशेंट, और बहुत काम हो चुका है। सरदार शोभा सिंह जी ने बड़ा काम किया उनके ऊपर, उनसे बढ़िया तो पेंटिंग बनी ही नहीं अभी तक, उसके बाद भी बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हैं। वो उनका थॉट प्रोसेस क्या था, वो क्या कहना चाहते थे सोसाइटी को, व्हाट ही वांटेड टू कंट्रीब्यूट, जो क्या मैसेज देके गए हैं, वो मैसेज कभी नहीं ख़त्म होना। इन्होंने अभी पीछे से जो बोल रहे थे, मैं इनका नाम नहीं जानता, इन्होंने बड़ा अच्छा बोला था कि ये एक सोच, एंडलेस सोच है, ये उस ज़माने में शुरू हुई थी, ये कभी ख़त्म नहीं होएगी और ख़त्म हो भी नहीं सकती, कोई भी कुछ भी करे नहीं हो सकती। तो मैंने इसमें सिर्फ एक चीज़ उठाई थी, वो थी कि भी बड़ी अच्छी बात थी, एक नूर तो सब जग उपजया। इस पेंटिंग का कॉन्सेप्ट ये है। इसमें मैंने स्क्रिप्ट को लाइट इसलिए कर दिया, वन थिंग वॉज कि एक तो ये पेंटिंग है, नंबर टू मैं ऑडियंस में भी कुछ छोड़ना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। इसमें एक सीड है, सीड में अरबों करोड़ों खरबों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं।
किस चीज़ की ज़रूरत है? सिर्फ थोड़ी सी धूप, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा पानी, आप एक चीज़ दे दो बस उसको, वो उसको जो देगी, इसमें न जाने कितने थॉट्स हैं, कितनी रूट्स हैं, कितने सीड्स हैं, कितने फल हैं, कितने पत्ते हैं जो आगे आगे कंट्रीब्यूट करें, पूरी कायनात बना देते हैं। ये उनकी सोच थी, मैंने इस सोच को इस पेंटिंग के अंदर दिखाया है। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि ये है उस पेंटिंग का बॉटम पार्ट। दिस इज़ फॉर मी, फ्रॉम माई एंगल, दिस इज़ ए मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, जिसकी दुनिया में हम सारे पड़े हैं आजकल। मेरे पास दो कनाल की कोठी हो, मेरे इसमें ज़्यादा तीन दिन का पीरियड था, मैं ज़्यादा नेरेट नहीं कर पाए, इसकी कंटिन्यूशन पेंटिंग और बननी है अभी। मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हो, मेरे पास ये हो, हर आदमी एक चीज़ चाहते वो कर लेता है। मैंने इस सीरीज़ के ऊपर पहले बहुत काम किया है। ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, हमें इसमें किसी को दबा करके अपनी उसके ऊपर कोई चीज़ बना के, मतलब एक थॉट है कि भी हमें कोई भी रास्ता अपनाते हैं हम उस पर जाने का, हम जो उस शख्सियत ने हमें सोच दी थी वो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, उसको बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। ये उसका सेंट्रल पार्ट है। सेंट्रल पार्ट में मैंने यही लिखा है कि आप सीड को एक मौका तो दो, उस थॉट को एक जी के तो देखो। फिर इसके अंदर जो दिखा रखा है ऊपर, कुछ स्टेयर्स है, आप इस थॉट प्रोसेस से चलोगे जो गुरु नानक देव जी ने बताया है, उस थॉट प्रोसेस से, उस सोच से चलोगे तो आप इसकी जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है आप उसे ऊपर उठ पाओगे। ये जो वर्ड्स हैं इसमें, सतनाम, श्री वाहिगुरु, एक ओंकार, इसमें उन फ्रेजेज को मैंने थोड़ा थोड़ा लिया है, बिकॉज ऑफ की दिस इज नॉट ए बुक, इट्स ए पेंटिंग। तो उनसे लेकर के ये आप उन शब्दों की सीढ़ियाँ, उस विचारधारा की सीढ़ियाँ बनाओ तो आप इस वर्ड से तर जाओगे। ऑब्जेक्टिव ये, कितना एंडलेस चले जाओ आप उसके ऊपर, कोई देर इज नो एंड। सो दिस वॉज द स्टोरी, इट्स नॉट ए स्टोरी, इट्स ए थॉट प्रोसेस, मैं इसको थॉट मानता हूँ अपना। मैंने उनकी तस्वीर छापने की बजाय ये पेंट किया था क्योंकि मैंने सोचा कि ये ज़्यादा बेटर है, उनका थॉट क्या है। तो इस बारे में थोड़ा सा मेरे से ये कुछ बता जी। ये लेयर्स ऑफ पीरियड्स हैं, ये जो लेयर्स इसमें दिखा रखी है नीचे, ये जो नीचे इसमें लेयर्स दिखा रखी हैं, वो लेयर्स हम लोगों ने क्रिएट की हैं क्योंकि हम अपने थॉट प्रोसेस से चल रहे हैं, हम अपने मटेरियल से चल रहे हैं, हम हर चीज़ को सीढ़ी, एक पायदान बना लेते हैं ऊपर चढ़ने का, फॉरगेटिंग अबाउट एवरीथिंग। सरदार बीर दिवेंद्र सिंह जी ने बड़ा अच्छा कहा था, हम उस चीज़ को अभी उसके नज़दीक भी नहीं पहुँच पाए हैं कि जो आज से 550 साल पहले उन्होंने दे दी थी। आज वक्त है उस चीज़ को बजाय इस तरीके से जीने के, उनके थॉट प्रोसेस को जियो, उसके थॉट प्रोसेस को अडॉप्ट करके आगे बढ़ो। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था कि आप इस तरह से उतर जाओगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर फालतू चीज़ों की काम करने की। बिल्कुल इन्होंने भी यही इसी सब्जेक्ट पे बात की है कि और किसी चीज़ की और पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, आप इतना सा समझ लो, सिर्फ समझना है और उसको फॉलो करना है। तो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ द पेंटिंग, आप लोगों को मुझे लगता है अच्छी लगी होगी। तो अब इसको मैंने अभी सीबीआई साहब की परमिशन से ये दिया था कि अनहर्ड वॉइसेस ऑफ द वॉल पेंटिंग्स, जो एक पेंटिंग है, पेंटिंग इज़ ए ओपन बुक एज आई अंडरस्टैंड, एक पूरी किताब है वो, आप कभी उसको ध्यान से देखो, उसको पढ़ो, पेंटिंग पढ़ी जा सकती है, वो आपको बताती है कि भी उस समय क्या प्रोसेस था। एक पेंटिंग क्या बताती है कि भी जैसे ये है, ये एक एरिया पड़ता है, अब अपने जो हम लोगों ने जो डिवाइड कर लिया इन टू स्टेट्स, हरियाणा, बट पहले वो राजस्थान, इसकी जींस का विरासत थी सारी, उसमें कुछ हवेलियां बनी हुई हैं जिनको मेरे ख्याल से अराउंड 40-50 के करीब हवेलियां हैं वहां पे, जिनके ऊपर ये काम, फ्रेस्को काम हुआ हुआ है, वॉल पेंटिंग का काम हुआ हुआ है। और ये आज इनकी ऐसी ख़राब हालत है, आप इसमें देखो, यहाँ पे उसने बल्ब भी लगा रखा है, ऑयल वो भी खींच दिए हैं, कि ये हमारी सेंसिटिविटी को दिखाता है। और जैसे कि सीबीआई साहब बोल रहे थे कि जी हमें इन चीज़ों को, इन सिचुएशन से बचाने की ज़रूरत है, तभी ये रह सकती हैं। इन पेंटिंग्स में आपको पता चलेगा जब आप इनको रीड करेंगे, कलर्स क्या होते थे उस ज़माने में, कलर्स क्या होते थे।
आप हैरान रहेंगे कि एक सिर्फ ओकर फैमिली के कलर होता था और एक लैपिस लेजुली जो अफगानिस्तान से आता था ब्लू कलर, जिसको आजकल बना करके जर्मनी ने इन्होंने बना करके बेचना शुरू कर दिया, बहुत सारी चीज़ें उसी से सारा काम होता था। और इनकी खासियत ये है कि आज 300 साल पहले की ये पेंटिंग बनी हुई है, इंटेक्ट हैं। अगर हम इनको थोड़ा सा अपना कंसर्न, थोड़ा सा अपना प्यार, थोड़ा सा अपना केयर दे दें, ये मैंने थोड़ा इसको हाईलाइट करके बताया कि हाउ दिस वर्क इज और इसकी सिचुएशन क्या है, लोगों का लाइफस्टाइल क्या था उस समय, लोग किस तरह जीते थे, लोग इंटेक्ट रहते थे। इसमें इनमें एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि इन हवेलियों को हम मैंसन बोलते थे, इसमें सारा परिवार इकट्ठा रहता था और एक गेटेड सोसाइटी बनाई जाती थी, सिंगल गेट होता था। सिंगल गेट इसलिए रखते थे कि सारे घर के भाई बहन ये वो सब परिवार अगर आ गया, शाम को गेट बंद कर दो तो अपना आराम से बैठ के आंगन में बैठ के बात करो, दैट वॉज द कंसेप्ट। उससे इंटरेक्शन बढ़ती थी, आपस का प्यार बढ़ता था और एक लाइफस्टाइल का उनको पता चलता था। और तीसरा एंगल था इनका कि जो लोग इस चीज़ के एक्सपर्ट होते थे, जो आर्ट के एक्सपर्ट होते थे या आर्ट की प्रैक्टिस करते थे, जो करते थे, उनको भी रोज़गार मिलता था। और चौथी चीज़ जो इसमें बात थी कि हम लोगों का सोच क्या थी, जो पेंटिंग में आप पेंट करते हो उसमें सोच भी झलकती है आपकी। और आखिरी जो टेक्निकली चीज़ जो आर्टिस्ट इस फर्टिलिटी में काम करते हैं वो उनसे रिलेटेड है कि हमारे शास्त्रों के हिसाब से 4000 पहले विष्णु पुराण के अंदर ये लिखा हुआ था कि जी जो इंडियन पेंटिंग्स हैं उसके क्या लिम्स है, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, वो थे। तो इसमें अगर ये फॉलो नहीं किए दैट मीन्स वो अपना पीरियड बताती है किस पीरियड में ये पेंटिंग्स बनाई गई। फिर अगर हम अजंता केव्स की पेंटिंग्स देखें तो उसके अंदर एक पीरियड झलकता है, वो एक आँख को भी इंटरप्रेट करते हैं, हाथ को भी इंटरप्रेट करते हैं, बाल को भी इंटरप्रेट करते हैं, हर चीज़ को इंटरप्रेट करते थे। उसके बाद जब ये चीज़ें आई और ये राजस्थान बॉर्डर के साथ में लगती हैं चीज़ें, तो वो उस पीरियड को बताती हैं। तो जो मैं अभी मैंने शुरू में बोला कि ये एक खुली किताब है, वो इस एंगल से किताब है कि जिन्होंने थोड़ा सा इसको ध्यान दिया हो तो आपको अपना जीवन शैली, आपका पीरियड, आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपका मिल बैठने का तरीका है, सारा शेयर करती हैं पेंटिंग। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे कि शायर की शायरी के अंदर क्लियर कट कुछ भी नहीं कहा होता। ये मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ कि ये मैंने एक तस्वीर 2006 में खींची थी एक हवेली पे, और ये अभी 2019 में 2 महीने पहले खींची है। तो वक्त ने देखो उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, उस पेंटिंग को, इधर वाली पेंटिंग को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। वन थिंग, ये तो चलो वक्त का डेंट था, अभी क्या करें। आदमी ने भी कसर नहीं छोड़ रखी, उस पर बोर्ड भी लगा दिया है, उस पर बिजली की तारें भी खींच दी हैं, पहले शायद थोड़ी सी कम थी उसके अंदर। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे इन शेयर करने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि जब जो भी आपके पास अभी भी बचा हुआ है हम थोड़ा सा जागरूक हो जाएं और उसको बचा लें। ये चीज़ें तो हम अवॉइड कर सकते हैं, ये आदमी बोर्ड कहीं और भी लगा सकता था। ये पहले एक तार थी, यहाँ पे 6 तारें कर दी अभी इन्होंने, तो किसी को समझ ही नहीं है कि हमारे पास है क्या, हमारे पास कितना बड़ा खजाना है, किसी को पता ही नहीं है। ये थोड़ा सा सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, जो मेरे ख्याल से आप संगरूर हेरिटेज फेस्टिवल के माध्यम से कर रहे हैं। ये वही हवेली है जिसके ऊपर ये पहले, अब ये 2 तस्वीरें हैं, मैंने एक पहले पिक्चर में एक शूट की थी, ये दूसरी तस्वीर है, अब ये नहीं है। ये देखो, ये पेंटिंग 2006 में थी, अब ये हवेली है ही नहीं। और जब हम यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट्री को शूट कर रहे थे तो मेरे हम सारी टीम पूरी साथ थी, एक आदमी हमारे पास आया और कहता जी आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी एक ये एक फिल्म शूट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं, और इसका मतलब क्या क्या करोगे जी ये। मैं कह ये एक हेरिटेज है, आपको पता नहीं है कौन से टीवी वालों से आए हो। मैं कह जी हम तो पागल चैनल से हैं, हमें तो पता ही नहीं क्या है। तो कहता ये इसकी देख रहे हो आप, मैंने पिछले महीने एक हवेली तोड़वाई, उसमें बहुत सारी थी। उसने वो तोड़वा करके वो क्या करते हैं कि उसको आगे बेच करके नए फ्लैट या बिल्डिंग वट एवर इट इज़ जो भी उनका कंसेप्ट वो बना लेते बता देते हैं। और जो ये बची हुई है वो क्यों बची हुई है कि उन लोगों की भी मजबूरी है। वो ये मजबूरी ये है कि जो लोग उस टाइम पर इनको बना रहे थे, जिनकी हवेलियाँ थी, वो एक बिजनेस हब क्रिएट हुआ था 1810 के अंदर जब ये बननी शुरू हुई थी। तो उन लोगों का जब बिजनेस फ्लरिश कर गया, पैसे अच्छे आ गए, तो वो कलकत्ता मूव कर गया, मुंबई मूव कर गया, सूरत मूव कर गए, वो हवेलियाँ वहाँ छोड़ गए और उन्होंने एक केयर टेकर अपॉइंट कर दिया। केयर टेकर को वो सैलरी भी देने लगे, दूसरा घर का देख रहे। फिर जब जो समय गुजरता गया और पीढ़ियाँ बदलती गई, जो
फिर अगेन उसी पेंटिंग में बात आ जाती है कि लोग मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की सोच में आ गए, वो कहने लगे भी जब हमने अपनी हवेली उनको दे रखी है, हम तो किराया भी नहीं ले रहे, तो वाई वी आर पेइंग सैलरी टू देम। तो उन्होंने उनकी तनख्वाहें बंद कर दी। अब उनको चौकीदारी के पैसे मिलते थे तो वो बेचारे क्या करें, तो उन्होंने उसकी केयर ही करनी बंद कर दी। एंड अमेजिंग पार्ट इज़ कि मैं इसमें रिकॉर्ड में लेके भी आऊँगा कि एक हवेली के अंदर छत के ऊपर इतनी अच्छी पेंटिंग है, नीचे चार भैंसे बांध रखी है। तो कौन सा सही है? दोनों ही सही है, क्योंकि उसको तो पैसा मिलना बंद हो गया। और यहाँ पे आकर के अपनी वही सोच की बात आती है कि मटीरियलिस्ट वर्ल्ड के अंदर हम ये सोच ही नहीं रहे हैं कि हम क्या गंवा रहे हैं, क्या खो क्या रहे हैं। ये एक हवेली है, ये 2006 में थी। आप इसकी इस पे जो पेंटिंग बनाई हुई है, ये है एक उस टाइम का भाप इंजन जो ना, और इसमें जो सवारियां हैं इसको हमने एनलार्ज करके देखे तो कुछ रिच लोग भी थे और कुछ जनरल लोग भी थे। तो ये एक स्टोरी कहती है कि भी इस तरह लोग ट्रैवल किया करते होंगे, उनके लिए क्या था, या इस तरह की चीज़ें होती होंगी। एंड द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ कि आज की डेट में ये हवेली है ही नहीं, डिमोलिश कर दी। ये देखिए काम, ये देखिए उनके ऊपर काम, कितना अच्छा काम होता था, तो देख करके ही खुशी लगती है दरवाजे के ऊपर देख करके। आजकल हमें पहले से सबसे पहले ये चीज़ें मिलती थी उसको देखने के लिए, जब किसी घर में जाओ या हाथ जोड़ करके दरबान खड़े की तस्वीर मिलती थी या फ्लावर मिलते थे। आज मिलता है कि आप कैमरे की निगरानी में हैं, सावधानी से घुसें। दिस इज़ द चेंज। ये तस्वीर के अंदर देखो, इन्होंने बड़ी मतलब मैं तो बेरहमी कहूँगा कि तारे वारे अपने हिसाब से लगाते हैं, उनको इस चीज़ की परवाह नहीं है। और इसका हमने कलर थोड़ा सा ब्लेड से निकाल के देखा टू गेट फॉर द केमिकल टेस्ट, इतना रिच कलर है कि आज मिलता भी नहीं है, कहीं अवेलेबल नहीं है। ये देखिए इनके काम, ये लोग हैं, ये हवेली भी नहीं जिसपे ये हैं, इन्होंने तोड़ करके बेच दी और तीन स्टोरी मकान बना दिए, ये उस पर काम था। आप इनके दरवाजे देखो, उस टाइम जो क्या बोलते हैं उसको, जो ऐसे क्लिप करके लगाते थे, आज तो है नहीं, आज तो कील से बना देते हैं, और वो शिकंजा बना करके ब्लॉकिंग सिस्टम से बनाते थे दरवाजे, और आज भी इंटेक्ट रहते हैं वो। एक हमने हवेली वहाँ पे शूट की, उसमें उन्होंने पूरा स्टोर बना रखा है। ये देखिए बहुत काम था, और हमारे जो जो भी अपना जो सिनेरियो चला हुआ है आजकल, उस पर अपना वॉल पेंटिंग भी कर देते हैं, अपने बैनर्स भी लगा देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं, ये चल रहा है। ये जो जिस हवेली की ये तस्वीर आपके सामने है, ये इसमें मेरे ख्याल से अराउंड 40 रूम्स हैं जो सर्वेंट्स के लिए ही हैं, और इसके अंदर सारी एमिनिटीज़ हैं। इसमें पानी के पीने के लिए परिवार के लिए कुआँ भी है, बड़े बड़े स्नान घर भी हैं इसके अंदर। और इसमें ये दो भाई, दो ब्रदर्स थे, उनके अपने अपने तीन स्टोरी ये हवेली थी, और मेरे ख्याल से 14-15 कमरे तो मिनिमम होंगे उसके अंदर। अब हालत ये है कि वो लोग हमें वहाँ पे घुसने भी नहीं देते, कि उनको ये डर ये लगा रहता है कि कहीं ये प्रॉपर्टी वाले तो नहीं है कभी हमारा, क्योंकि वो अनऑथोराइज्ड उसके अंदर बैठे हैं, उनको एक्चुअल मालिक नहीं है, कोई केयर नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते उसका। वो सी द वर्क, एक्सटेंसिव वर्क। तो मेरा पर्पज़ था, मैं तो इतना था कि मैंने वॉल पेंटिंग्स की प्रिजर्वेशन के लिए बात करनी थी, हेरिटेज की प्रिजर्वेशन के लिए बात करनी थी, और पता नहीं आपको, मैं अपनी एक एफर्ट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।